कांगड़ा की रुचिका ने 65वीं हुई राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए हिमाचल की झोली में पहला पदक डाला है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश टीम के कोच रोहित भंडारी ने दी। उन्होंने बताया कि लगभग 5 वेट की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें रुचिका ने 36 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेते हुए दूसरी बार मेडल हासिल किया है। पिछले वर्ष भी उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में मेडल हासिल किया था, परंतु सरकार की ओर से अभी तक ना तो कोई प्रोत्साहन मिला है और ना ही उनकी कोई सुध-बुध ली गई है। अब रुचिका के माता पिता हिमाचल प्रदेश से आशा करते हैं कि अद्भुत उपलब्धियों के लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनका दूसरा मेडल है और वो भी बिना किसी प्रोत्साहन के। उनका कहना है कि लड़की बिना किसी प्रोत्साहन के अगर इतना कुछ कर सकती है, तो यदि उसे साल भर कोचिंग दी जाए तो वे मेडल ला सकती है, क्योंकि बाकी राज्यों की लड़कियों को सरकारें अपनी तरफ से प्रोत्साहन देती रहती हैं। हिमाचल में कुछ एक खेलों को छोड़कर बाकी खेलों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। जिन खेलों में ध्यान दिया जा रहा है वे है वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स। इनके हॉस्टल हमारे देश में भी हैं और इनकी लड़कियां ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कमा रही हैं और अपने देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके साथ अन्याय किया गया है। वे चाहती हैं कि उसे सरकार की तरफ से कोई न कोई प्रोत्साहन दिया जाए। रुचिका पढ़ने में भी काफी अच्छी है और वे नॉन मेडिकल की छात्रा है। वे चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के लिए एक बढ़िया सा हॉस्टल हो जहां लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैंने गोल्ड मेडल लिया। इससे पहले भी मैंने मेडल लिए हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर, पर इस चीज का सपना था कि मैं गोल्ड लेना है हिमाचल के लिए, तो ये सपना मेरा आज पूरा होता है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से, और इसके साथ मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ ईयर बनाया गया, और साथ में मेरे जो कोच थे जिन्होंने मुझे इस गेम में लाया, इस सिखाया, वो मेरे साथ इस आज मेरे साथ में इस कॉम्पिटिशन में थे। रानी, आप इस खेल से आने वाली जनरेशन के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो नशे में लिप्त हो रही है? उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं वो खेलों में बढ़ चढ़ के भाग लें और नशे से दूर रहें। संजय, आप रानी के कोच हैं, पहली नजर में कैसी फर्क की थी? ये मेरे पास कॉलेज में सोलन पर डिग्री कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में आई तो कबड्डी खेलने के लिए आई थी, तो मुझे इसमें लगा कि भाई इसमें टैलेंट है, तो मैंने इसको जूडो में लाया। तो आज कैसा आप गौरवान्वित कर रहे हैं, जैसे आपने पहली नजर पर था आप देश का श्रेष्ठ खिलाड़ी बना दिया? मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है, और इसके लिए आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ कि ये भारत के लिए भी खेले, ओलंपिक तक जाए और वहां से मेडल जीत के लाए। आप रानी के कोच है कि आपको लगता है कि रानी की फिटनेस एंड स्ट्रेंथ, जैसे प्लेयर के साथ होता प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, फिटनेस प्रॉब्लम, आप कहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने चाहेंगे रानी? फिटनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेंथ भी ठीक है, मतलब ठीक है, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा वर्क इम्प्रूवमेंट की टेक्निकली थोड़ा हमें उम्मीद है कि आप उनको टेक्निकली साउंड करेंगे। रानी ने आज